आईपीएल 2023 का 58वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 13 मई को खेला गया। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में लखनऊ ने होम टीम को 7 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ सनराइजर्स लगभग प्लेऑफ की रेस से अब बाहर हो गई है। हालांकि मैच के दौरान एक समय ऐसा भी था जब लग रहा था कि SRH ये मैच आसानी के साथ जीत जाएगी, लेकिन मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने ऐसा होने नहीं दिया। वहीं इसी के साथ भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी प्रेरक मानकर ने अपनी बल्लेबाजी से भी तहलका मचा दिया। उनकी गजब बल्लेबाजी ने महफिल लूट ली। तो आइए ऐसे में एक बार इस धाकड़ खिलाड़ी के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रेरक मानकर आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अपना पहला मुकाबला सनराइजर्स के खिलाफ खेल रहे थे। ऑक्शन के दौरान लखनऊ ने उन्हें 20 लाख रुपये की रकम देकर खरीदा था। हालांकि मानकर ने अपने पहले मैच में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। उन्होंने लखनऊ को हारा हुआ मैच जिताने में अहम पारी खेली। प्रेरक मानकर ने 142 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंद में 64 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के भी देखने को मिले। इतना ही नहीं बल्कि वह अंत तक नाबाद भी रहे। हालांकि आईपीएल 2023 के ऑक्शन से पहले पंजाब ने उन्हें रिलीज कर दिया था, जिसके चलते लखनऊ ने अपने साथ जोड़ लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के धांसू बल्लेबाज प्रेरक मानकर राजस्थान के सिरोही में 23 मार्च 1994 में पैदा हुए थे। हालांकि वह राजस्थान में पैदा होने के बावजूद डोमेस्टिक क्रिकेट सौराष्ट्र के लिए खेलते हैं। वहीं प्रेरक ने अपना लिस्ट ए करियर का डेब्यू 25 फरवरी 2017 को विजय हजारे ट्रॉफी 2016-17 के सेशन में किया था। बता दें कि प्रेरक एक ऑलराउंडर हैं और बल्लेबाजी के साथ साथ राइटा मीडियम पेसर भी हैं। उन्होंने अपने 46 फर्स्ट क्लास मैचों में 2006 रन बनाने के साथ साथ 43 विकेट भी झटके हैं। इसके अलावा लिस्ट ए क्रिकेट में प्रेरक ने 53 मुकाबलों में 1535 रन बनाने के साथ 38 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं आईपीएल के अलावा मानकर ने 43 T20 मैचों में 142 के शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 877 रन बनाए हैं और 22 विकेट भी लिए हैं। इसके अलावा बात करें हैदराबाद और लखनऊ के मुकाबले की, तो हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए थे। हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासे ने सबसे ज़्यादा 47 रन बनाए थे। वहीं अब्दुल समद ने भी 37 रन की शानदार पारी खेली थी। लखनऊ की तरफ से 2 विकेट लेकर कप्तान कृणाल पांड्या सबसे सफल गेंदबाज रहे थे। 183 रन का टारगेट चेस करने में लखनऊ के लिए प्रेरक मानकर, मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन ने अहम भूमिका निभाई थी। प्रेरक ने 64, पूरन ने 44 और स्टोइनिस ने 40 रन की गजब पारी खेली थी। ऐसे में लखनऊ ने 7 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। हैदराबाद के लिए मयंक मार्कंडे, अभिषेक शर्मा और ग्लेन फिलिप्स ने एक एक विकेट अपने नाम किया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्पोर्ट्स और आईपीएल की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए NBT स्पोर्ट्स के साथ।